कबीर परमात्मा का वचन है जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है? इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख दिया क्रोथा कांड करके, ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया, झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर जो तो को काटा वो वता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल, उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सत नाम सुमर ले प्राण जांगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौके बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांसे। कबीर सपने में बरड़ाए कर जय कोई ले वे नाम, वाके पैर की जूती और मेरे तन का चामे। भगवान तो क्या कह रहे हैं कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बिरडा कह और इस नाम का जाप कर ले, तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने चाम की जूती बनवा दूँ उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सेवन करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रिया करते हैं रात को भी वही आएंगे सपने। इस सारे दिन जैसे कोई केले बेचे हैं, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 40 के दर्जन। अब रात ने भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वो आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा के सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुदाओ, जो सपने बुद्ध बुदा दे राम राम सतनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं सपने में बिरड़ाए कह जय कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे तो वाके पैर की जूती और मेरे तन का चाम, मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूँ कई जात हूँ सुनता है सब कोई, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। बताओ परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं प्रसंग चला है, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने, चार खानी में भरमता कभू ना लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अपना आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का, सच्चे गुरु का। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सफर करते खेचा ताण, उनसे कदे ने छूटता और फिर फिरता चारों खान, उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर 84 लाख योनियों में आता। और फिर क्या बताते हैं, चार खानी में भरमता
और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, इन सब से बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते सात समंदर की मसी करूं और लेखनी, मसी माने इंक, सात समंदरा की स्याही बना लूं और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं, एक एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएगी करोड़ों। और कहते सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए और धरती जितना कागज भी, शेष उसमें जगह नारे लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए। तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को, एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तपला तून पाक रहा था, बनकर अच्छी पोस्ट प्राप्त करके दो पैसे घर पर हो गए, भगवान बजा नहीं, अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करता फिर रहा है।